Everybody will sit down. आप ये कह रही हैं कि देवदासियों का उदाहरण दे रही हैं, आप कह रही हैं मंदिरों में छेड़छाड़ होती, कांग्रेस का स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये, बिल्कुल आपा खो दिया आपने, निश्चित तौर से आपा खो दिया आपने, और ये बेहद गलत और बेहद आपत्तिजनक बयान है, ये बेहद आपत्ति, नो 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 यू विल नो 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 नो, अब आप नहीं, अब आप बोल चुकी, अब आप बोल, नहीं मैं कौन तय करने वाला, आपने बोल दिया, मैं आपको अभी प्रूफ दूंगा, आप बैठ बैठिए प्रत्येक जी, दो प्रश्न है, पहले और आप इधर नहीं आएंगे, पहले तो आम आदमी पार्टी के स्कूल से सीख लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करते हैं, वो सिखाएंगे आपको, तालमेल तो मिल नहीं रहा, यहाँ सीखिए, दूसरी बात, रितु जी से दो प्रश्न स्पष्ट है, पहला जब मदरसे में बम मिलता है तो चूस शब्द नहीं निकलता और हिंदू को बदनाम करने के लिए जहर उगलते हैं, दूसरी बात जब चुनाव में जाएंगे तो ये क्लियर करके पहले नजर आएंगे कि ये गाली देंगे कांग्रेस को, कि ये बोलेंगे आम आदमी भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, लेकिन ये सारे मुद्दे पीछे छूट गए, जब तक ये माफी नहीं मांगेगी आज डिबेट में मैं नहीं बोलूंगा। और आपने आज बेहद आपत्तिजनक बात कही है, और ये बेहद आपत्ति, आप कह रही हैं कि मंदिरों को, मंदिरों में छेड़छाड़ होती है, आपने बिल्कुल कहा आपने, और मैं पूरा स्टेटमेंट निकालवा के देखूंगा, ये एंकर को झुठला रही है आप बिल्कुल आनंद, नहीं नहीं जनता को कोई नहीं उकसा रहा है, जनता सब देखती, उसको उकसाना उकसाना नहीं होता है, जनता जानती कब कहां कैसे जवाब देना होता है, तो बड़े बड़े ये इसमें धोखे में ना रही है, लेकिन आपने बेहद आपत्तिजनक बयान है ये, और इसमें मतलब निश्चित तौर से आपको या तो माफी मांगनी चाहिए, और मेरे हिसाब से कहना चाहिए कि मेरे उत्तेजना में मुझसे निकल गया, और अगर आप नहीं मानती हैं तो इट्स अप टू यू, लेकिन मैंने आपसे कह दिया ये बेहद आपत्तिजनक बयान है। मैं कहूंगा ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदुओं पर सवाल खड़ा किया है कि हिंदू अगर मंदिर जाता है, खाटू श्याम हम बस में जाते हैं, बालाजी महाराज हम बस में जाते हैं, हम इतनी यात्रा करके भगवान का अपने दर्शन करने जाते हैं, हम वहां अपने लड़कियों को, अपनी बहन बेटियों को छेड़ने जाते हैं, ऐसा घिन अपराध, और कांग्रेस का तो चरित्र है ये, कांग्रेस तो तमिलनाडु में उनके साथ है जो हिंदू धर्म को खत्म करना चाहती है, ये हिंदू नहीं समझ रहा है, कांग्रेस तो उसके साथ गठबंधन में है जो कहती है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया एचआईवी है, कांग्रेस उसके साथ खड़ी हुई है, एक भी पहली हिंदू के सिवाय और किसी धर्म पे कांग्रेस की हिम्मत नहीं है बोल के दिखा दे, और किसी धर्म पे बोल के दिखा दे, अरे हिंदू जाग जाओ मेरे भाइयों। नहीं नहीं एक बार एक चीज तुमको मैं एक चीज तुमको मैं आगाह करता हूँ, उकसाई नहीं नहीं आप नहीं मैं आप भाई मेरी बात सुनोगे तुम, मैं तुमको एक बात कह रहा हूँ, आप अपने दायरे में रहिए, हिंदू हैं वो हिंदू वाले दायरे में बोलिए, आप दूसरे धर्म की तरफ इशारा मत करिए, एंड यू हैव नो राइट, बट आप अपनी बात कहिए, लेकिन मैं फिर से कहूंगा जो आज रितु आप बहुत दिनों से डिबेट में आ रही हैं, लेकिन नहीं नहीं रितु आज आपने वास्तव में सच में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, आपको अरे कोई तिरुपति जाता है, मतलब जो तिरुपति में लोग जा रहे हैं वो क्या छेड़ने जा रहे हैं, कैसी बात करती हैं आप प्रतीक जी, इस प्रतीक जी देखिए, धर्म जात की राजनीति से मैं खुद को अलग करता हूँ, लेकिन जो ये तो बता सकते हैं ना, ये गलत बयान है, देखिए जो मूल सवाल थे देश के लोगों के, मैं पवन यहाँ आ गया, लेकिन पवन ये तो ये अगर ये भावना किसी की ठेस पहुँचती है तो ये गलत है, देखिए सही गलत का फैसला आप कर लें, जो लोग देख रहे हैं वो फैसला कर लेंगे, आपका भी तो कुछ होगा, लेकिन देखिए देश के मुद्दे हैं, मैं चाहता हूँ देश के मुद्दे छूटने नहीं चाहिए, ये होती है राजनीति और राजनीति की विवशता, गलत को गलत ही नहीं कहा जा सकता, ये होती है राजनीतिक, क्योंकि वोट चाहिए, क्योंकि सीटें चाहिए, पवन नहीं मैं अभी नहीं सुनूंगा, जब तक आप बोलेंगे नहीं मैं यहाँ से नहीं आऊंगा, यहाँ पे आपको यहाँ आना ना, पहले आप बैठिए, पहले बैठिए, आप बैठिए, नहीं मैं आपके मुद्दे में, आपने बहुत गलत बोला है, आप यहाँ बैठिए, चलिए बोलिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा
के सभी हिंदू मंदिरों में जो है जो छेड़छाड़ होती है। मैंने ये कहा कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा कि तमाम इस तरह के केसेस, आपको भी पता है, आपने भी वो केसेस यहाँ उठाए हैं, उन केसेस पर जवाब सुनिए। देखिए मैंने क्या उठाया है नहीं उठाया है ये तो मुझे मालूम है अच्छी तरह से, लेकिन आप जनरलाइज मत करिए किसी एक घटना को। और यू हैव टू से सॉरी, मैं कभी नहीं, तुम मत बोलिए ना, अब आप रहिए इधर। ये बताइए ये जो है बलात्कार पर तिरंगा यात्रा निकालते हैं उसके हक में, आप पूछिए ना इनसे। लेकिन 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 मंदिर पे आपने गलत बयान बोला 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 पुजारी पुजारी कई ऐसे केसेस हुए हैं। नो 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 आप तो क्या हो गया, आप बैठिए ना, आप बैठिए ना इधर, पानी दीजिए इनको, पानी दीजिए, आराम से समझिए, तसल्ली के साथ हो जाता है। पुजारी अगर बलात्कार करे तो सही है। अब आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। देखिए प्रतीक जी, मैं मेरी पार्टी आपको मालूम ही नहीं है। प्रतीक जी सुन लीजिए, देखिए मैं इस तरह के डिबेट में आता भी नहीं हूँ। सुन लीजिए, देखिए मैं मेरी पार्टी के नेता सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम किसी को गाली देने का काम नहीं करते। दूसरी बात, आज देखिए अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि देश को नंबर वन बनाना है, नंबर वन ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और कोई पार्टी सत्ता में गाली देके आ भी नहीं पाएगी। बात करता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं। अरे भैया आराम से बोलिए, तसल्ली के साथ बोलिए, एक बात नहीं बोल पा रहे हैं आप। नहीं देखिए प्रतीक जी, बहुत ही गंभीर विषय है। आप पहले तो ऋतु एक जगह खड़ी रहूंगी, और ये कहीं मूवमेंट नहीं होगा, ये कोई वो रेसलिंग का खड़ा नहीं है। ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, देखिए जो हम अभी बात कर रहे हैं ये राष्ट्रीय चैनल है, और इस राष्ट्रीय चैनल को करोड़ों लोग वर्तमान में देख रहे हैं, और आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होकर के सोचिए कि मेरे माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने जब हमने जन्म लिया होगा तो उन्होंने मंदिर में जाकर के दुआएं मांगी होंगी, उसके फल मिलने पर जो है हम लोग आज अच्छे से पले पुसे हैं। तो आपको कम से कम जो है जो यहाँ जनता, और दूसरी बात है, मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ सौरभ, आपने नहीं भी किया हो, आपके फादर मदर नहीं गए हो, पेरेंट्स नहीं गए हो, लेकिन अगर ये राम खिलावन के जाते हैं, सीताराम के जाते हैं, तो इनको क्यों कह रही हैं आप? इनको कहने का क्या राइट है आपको? किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का क्या आपको राइट है भाई? आप अपनी बात कहिए ना। मैंने ठीक की, ठीक है, मैंने आपकी बात, आपको आई विल गिव यू अ चांस, देन यू कैन से। कैसे भाई कैसे? वो किनारे, हाँ जी। देखिए अभी जो रितु जी का बयान था, जो रितु जी का, ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान कभी नहीं हो सकता, और यहाँ पर जनता जितनी है, जितने लोग हैं, सभी आक्रोशित हैं इनके इस बयान से, क्योंकि हम हिंदू हैं और लगातार इनके जो है मंत्री राहुल गांधी वो लगातार अपमान कर रहे हैं, हिंदुत्व का सनातन से खिलवाड़ किया जा रहा है, और अभी जिस प्रकार से इन्होंने घृणित बयान दिया, तत्काल माफी मांगनी चाहिए। आप इनको बोलिए पहले माफी मांगेंगी तब हम लोग यहाँ डिबेट करेंगे, नहीं तो डिबेट नहीं करेंगे। प्रतीक जी मैं आपसे कहता हूँ कि कबीर की वाणी शुरू करिए। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहाँ जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल, देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।